व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी TGT पनेशिया की क्लास नंबर 99, जो कि सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और देंगे 100 नंबर की क्लास, और इसके बाद से हमारा ये ऑनलाइन जो कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ बच्चे इस बात की कन्फ्यूज़न में है कि सर ने अब कोर्स ख़त्म करा दिया, अब हम इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ये कोई भी क्लास ऑनलाइन लगातार खुद से नहीं चल रही थी। ये बस वीडियोस के लिंक और PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक बार आप अपने इस कोर्स को अपने पास रख लीजिएगा, और उसके बाद आगामी किसी भी एग्ज़ाम में जो भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसे TGT, PGT, बायोलॉजी, या आपका नवोदय का, केंद्रीय विद्यालय का, DSSSB का, वेटनरी का, एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम का, नीट का, MSc एंट्रेंस का, जहाँ पर भी बायोलॉजी रिलेटेड सिलेबस है उसमें आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है ना, बात पूरी समझ में आ गई? चलो भाई आगे देखते हैं। आज हम लोग बहुत दिनों बाद कंटिन्यू करेंगे, और आपको एक अच्छी बात बताते हैं कि इस स्लाइड में हमने 4 पेजेस को कंसीडर किया है। इससे पहले जितनी भी स्लाइड्स थी उनमें 2 पेजेस को कंसीडर करते थे, आज हमने 4 पेजेस को लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ताकि आपको हम प्रोवाइड करा सकें। सुनते चलना बेटा। बस कह रहे हैं कि पैपिलरी जो मसल्स है वो कहाँ पाई जाती हैं? बेटा हृदय में पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। द पैपिलरी मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। सीलिएटेड एपिथीलियम ट्रेकिया में पाया जाता है, और जो ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होता है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। दे बोथ आर टू मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार पूछे गए। तो फिर से सुनो बेटा कि जो सीलिएटेड एपिथीलियम है ये ट्रैकिया में दिया है भगवान ने। सीलिएटेड क्यों दिया? जैसे ये गला है, ट्रैकिया है, तो यहाँ सीलिया लगे होते हैं छोटे छोटे। और क्यों लगे होते हैं? हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी धूल के पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, ये सीलिया उसको वहाँ पर रोक देते हैं। आई बात समझ में? उनको अपने पास चिपका लेते हैं, और उसके बाद इनमें फैगोसाइटोसिस हो जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे नॉस्ट्रिल्स के पास छोटे छोटे भगवान ने बाल दिए हुए हैं, नासा छिद्रों में बाल दिए हुए हैं। उनका भी बिल्कुल सेम यही काम होता है कि बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को, पॉल्यूशन पार्टिकल को बीच में ही रोक देना, ताकि नासा छिद्रों के माध्यम से वो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई तक ना पहुँच पाए। शब्द वर्टिब्रेट लैमार्क ने दिया था। शब्द वर्टिब्रेट किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। लोकस क्या होता है? द स्पेसिफिक प्लेस, एक ऐसा निश्चित स्थान, एक क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड। एक क्रोमोसोम में एक ऐसा निश्चित स्थान जहाँ पर जीन लोकेटेड रहती है, जीन रहती है, उसे हम लोकस या लोकाई कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार जरा। पैपिलरी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। सीलिएटेड एपिथीलियम कहाँ पाए जाते हैं? ट्रेकिया में पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। शब्द वर्टिब्रेट किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। लोकाई क्या होता है? कि क्रोमोसोम जो होता है उसके एक पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पर जीन स्थित रहते हैं उन्हें हम लोकस कहते हैं। लॉक एंड की मॉडल जो एंजाइम का था वो एमिल फिशर ने दिया था। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन वॉज गिवन बाय एमिल फिशर। बहुत ध्यान दी ना बेटा, जो DNA के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ते कहाँ से? लाइगेज नाम के एंजाइम से। और काटते किससे हैं? ये वीडियो के एंड में आप आंसर में दीजिएगा, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से 3 प्रश्न ज़रूर आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स से, और 1 या 2 प्रश्न आते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स से। यानी कि कुल मिलाकर 4, कम से कम 4 क्वेश्चन जेनेटिक्स से आते हैं, चाहे आप TGT का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप PGT का एग्जाम देने जाओ। ठीक है, तो ज्वाइनिंग द बिट ऑफ DNA, यानी कि DNA के बिट्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम दिया गया है? लाइगेज दिया गया है। व्हाट इज BMR? दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारी थायराइड ग्लैंड। कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। प्रश्न पूछा जाता है, यदि किसी मेंढक की थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो क्या उसकी शारीरिक वृद्धि होगी? उत्तर है नहीं। यदि किसी कछुए की थायराइड ग्रंथि को निकाल कर उसको खूब भारी मात्रा में प्रोटीन, लगातार अच्छा भोजन दिया जाए तो क्या उस कछुए की वृद्धि होगी? उत्तर आएगा नहीं। जो आपको एक्वेरियम में छोटे छोटे देखने को मिलते हैं टॉर्टोइज, जो जीवन भर बड़े नहीं होते, वो वही रीज़न होता है कि उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट खराब हो चुकी होती, क्योंकि इनकी थायराइड को कट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
देखो बेटा, ग्लाइको जेनेसिस ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूको ध्यान देना ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब क्या है कि ग्लू ध्यान देखना, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोस, ग्लूको मतलब ग्लूकोस, नियो माने नए ढंग से या नए प्रकार से या नए सबस्ट्रेट से। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है प्रोडक्ट। तो नए सबस्ट्रेट से यानी कि फैट से और प्रोटीन से जब ग्लूकोस का निर्माण किया जाता है, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोस फ्रॉम फैट और प्रोटीन, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, बात समझ में आई? ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लाइकोजन का टूटना, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं। क्या करेंगे, लिख देंगे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस, और यहाँ पर तीन टर्म दिए होंगे किससे किससे बनना, आपको एरो करके मिलाना होगा। ये क्वेश्चन जब हमने TGT का एग्जाम दिया था तब आया था, इसीलिए हमने कहा ये क्वेश्चन आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। देखना बेटा, सुनना, जब लीवर की मसल्स, लीवर और मसल्स दोनों अब उससे ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर नहीं करते, तो उस ग्लाइकोजन को तोड़कर शुगर के नाम पर ब्लड में डाल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, व्हेन लीवर एंड मसल्स कैन स्टोर नो मोर ग्लाइकोजन, ये कंडीशन कब आती है, जब आप ठूंसते जाएं लेकिन खर्च ना करें, यानी कि खाते जाएं लेकिन चलें फिरें ना, चाहे फिजिकल एक्सरसाइजेज हो चाहे मेंटल एक्सरसाइजेज हो, कुछ भी ना करें, यानी कि हमेशा एनाबोलिक फेज में रहें, कैटाबोलिक फेज में आने ही ना पाएं, ये कंडीशन तब आती है और बड़ी ख़राब कंडीशन होती है। यही मोटापा बढ़ाने वाली कंडीशन होती है कि 2000 कैलोरी आप यूज़ कर रहे हो, खाने में आपको मिल रही है, लेकिन आप उसका कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली घूम फिर नहीं रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका मोटापा बढ़ने लगता है। वेन लीवर एंड मसल्स कैन स्टोर नो मोर ग्लाइकोजन, लीवर और मसल्स ने मना कर दिया अब ग्लाइकोजन नहीं चाहिए, अब क्या होगा, द एक्सेस ऑफ शुगर, अब भी शुगर तो बची हुई है, तो उस शुगर को ब्लड में भेज दिया जाता है, और देखो क्या लिखा है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट में, कहाँ पर, लीवर में। भैया डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बताया कि दिक्कत हो रही है, पाचन नहीं हो रहा भोजन का, डॉक्टर ने कहा लीवर की जांच कराओ, SGPT नाम की रिपोर्ट आई। सुन लीजिए, ये टीचर नहीं, ये डॉक्टर बताते हैं केवल। SGPT की रिपोर्ट आई और पता चला SGPT बढ़ा हुआ है, रीज़न पता चला क्या है, चिल्ला चिल्ला के डॉक्टर ने समझाया कि आपका लीवर फैटी है, आपका लीवर कैसा है, फैटी है। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना चाहिए, अगर हमारा लीवर फैटी है इसका मतलब हमारे पास आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्लाइकोजन और वसा के रूप में एकत्रित है, कहाँ पर, लीवर में और मांसपेशियों में। तो पहला काम, अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस को बढ़ा दीजिए, 2 किलोमीटर की पर डे रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, एक साथ नहीं दौड़ा जाता, धीमे धीमे करके दौड़ा जाता, हल्का फुल्का। पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नहीं समझते इन सब चीज़ों को, तो पहले रनिंग नहीं, पहले वॉकिंग से स्टार्ट किया जाता है, पर डे 2 से 3 किलोमीटर की वॉकिंग कीजिए। और अगर आप थोड़े से एथलेटिक टाइप के हैं, बढ़िया आदमी हैं, खुश दिल आदमी है, काम करने में माहिर हैं, तो 1 से 1.5 किलोमीटर की कंटिन्यूस रनिंग रखिए। दूसरी बात, सुबह उठते ही पानी लीजिए और पानी के साथ 3 से 4 लहसुन की कली खा लीजिए, लेकिन कब, ध्यान दीजिए, अगर आपका खून बहुत ज़्यादा पतला नहीं है तो, यानी कि अगर आपको नकसीर की बीमारी है, नाक से खून आने की बीमारी है, तो आप ये प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में केवल और केवल 20 दिन, और हम आपको चैलेंज करते हैं, आपका फैटी लीवर एकदम सही हो जाएगा। और जल्दी सही करना चाहते हैं 10 दिन में, तो लीवर 52 नाम का टॉनिक भी आता है और पिल्स भी आते हैं, छोटी छोटी दवाइयाँ भी आती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं लगातार 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सारी बातें हमने आपको बता दी, तो इससे आपकी जो फैटी लीवर की समस्या है वो एकदम समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं राजा बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि, ध्यान देना बेटा क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस
यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण होना। ग्लाइकोजन कब बनेगा? जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो, और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है यानी कि हम एनाबोलिक चल रहे हैं, हमसे ऊर्जा खर्च ही नहीं हो पा रही है, हमको जिम जाना चाहिए, हमको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमको योगा करना चाहिए, हमको प्राणायाम करना चाहिए, हमको 15 से 20 मिनट ध्यान करना चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए, ध्यान देना, सॉरी ग्लूको, हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोस, जब ग्लूकोस को तोड़ा जाए। अब ऐसा कैसे होगा राजा बेटा, बताओ? जब कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो, यानी कि जब आप जिम में 1-1.5 घंटे एक्सरसाइजेस कर चुके, आपकी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपकी मांसपेशियों में जितना भी ग्लाइकोजन एकत्रित था उसको तोड़ दिया गया, किसमें? ग्लूकोस में, और आपके खून में डाल दिया गया, और आपने डंबल, बारबेल, बेंच, रॉड उठाने में वो सब खर्च कर डाला। अब लीवर के पास मैसेज जाएगा कि भैया जितना ग्लाइकोजन था सब तोड़ दिया गया है, अब तुम्हारे पास जितना ग्लाइकोजन है उसको तोड़ करके खून में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करो, वरना इस व्यक्ति को चक्कर आने लगेंगे जिम में। इसीलिए जब हम अचानक से किसी भारी वस्तु को उठाते हैं, भारी चीज़ को उठाते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी हमें चक्कर आता है और हम गिर पड़ते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं राजा बेटा। टिटेनस की अगर हम बात करें तो भैया सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन, जिस किसी को टिटनेस का अचानक से अटैक आता है तो वो मरने ना पाए, तो इसके लिए उसके मुंह में लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं ताकि मुंह खुला रह जाए और ये व्यक्ति सांस लेता रहे, फिर तत्काल इंजेक्शन लगा दिया जाता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि टिटनेस का इंजेक्शन कोई काम नहीं करता, या 12 घंटे बाद लगवा लेंगे या कल लगवा लेंगे। जिस दिन चोट लगे उसके 6 घंटे के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लग ही जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सरिया और लोहे से ही चोट लगे तभी आपको टिटनेस हो सकता है, ज़मीन पर गिरने पर भी टिटनेस का इन्फेक्शन कर सकता है काम। साइकिल चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, गिर गए, घुटनों में चोट लग गई, लेकिन हमने सोचा कौन सा लोहे से लगा है, ये तो मिट्टी में गिरे। हाँ, टिटनेस का इंजेक्शन हर चोट में लगता है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में PSNS वर्क करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन अगर भूत दिख जाए तब फाइट, भगो बेटा, फ्राइट, डरो बेटा, फ्लाइट। बहुत ध्यान से सुनना, ये हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे क्या हुआ कि आपको किसी ने कहा कि ये भूतिया हवेली, आप इसके अंदर चले जाइए, पहले तो आपने रंगबाजी में बोल दिया अरे हम नहीं डरते किसी चीज़ों से, तो आपकी किडनी ने हार्मोन निकाले लड़ाई वाले, उसी एक किडनी ने, वैसे तो किडनी दो होती है लेकिन दोनों किडनी की बात हम नहीं कर रहे, हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं, उसी किडनी ने आपके शरीर में आक्रोश भरने वाले, गुस्सा भरने वाले हार्मोन निकाले, और आप एग्रेसिव होकर लाठी डंडा लेके हवेली में घुस गए कि आए भूत, या तो भूत रहेगा या हम रहेंगे। लेकिन बाई चांस आपको ऐसा लगा कि आपके पीछे कोई चल रहा है, तो आपके मन में ख्याल आया फ्राइट का, भय व्याप्त हुआ शरीर में, किडनी ने कहा आहा हार्मोन बदलो, किडनी ने डरने वाले हार्मोन निकालने शुरू कर दिए, अभी आपकी थोड़ी देर में सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। जैसे जैसे आप भूतिया हवेली के अंदर जाने लगे, आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके हृदय में भय व्याप्त होने लगा, आपको डर लगने लगा, डर लगने लगा कि आपके पीछे कोई चल रहा है। आपने पलट के देखा, चुड़ैल खड़ी थी। क्या खड़ी थी? चुड़ैल। चुड़ैल जब मिली भैया तो शरीर में किडनी ने कहा भाग लो बेटा बहुत तेज़ी के साथ, तो शरीर में जैसे ही किडनी ने भागने वाले हार्मोन निकलवाए एड्रीनल कॉर्टेक्स से, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो गया, हार्ट बीट बढ़ा दी गई और खून को भेजा गया पैरों पे, निकल लो बेटा बहुत तेज़ी से, नहीं चुड़ैल खाट खाएगी। आई बात समझ में? तो इसीलिए सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम F3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है, पहले लड़ो, लेकिन जब नहीं लड़ पाए तो डरो, और जब लगा आप डर भी गए तो भैया भागो। आई बात समझ में? शायद ही ऐसे कोई समझा पाए इतने अच्छे एग्जांपल देके। चलो, तो इसलिए SNS जो होता है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपकी मोटर सेल्स को, आपकी सेंसरी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है दौड़ने भागने के लिए। ठीक है, स्नेक, लिजार्ड, बर्ड, इंसेक्ट, ये ज़्यादातर यूरिकोटीलिक होते हैं। ज़्यादातर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कृपया इस बात को ध्यान दें, ज़्यादातर का मतलब मोस्टली। स्नेक,
लिजार्ड, बर्ड और इंसेक्ट ये ज्यादातर कैसे होते हैं? यूरिकोटेली, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। किडनी स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सेलेट का बना होता है। किडनी स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सेलेट का बना होता है। प्रश्न संख्या 865 देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था जब हमने TGT का एग्जाम दिया था और बहुत अच्छा प्रश्न था और हम खुद भी गलत करके आए थे, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, इफ हेनलेज लूप वर एबसेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन, जब मनुष्य की ह्यूमन की किडनी की इकाई जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं उससे हेनले लूप को काट दिया जाए तो क्या होगा? आंसर इज द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, जो आपकी पेशाब होगी, यूरिन होगी, वो और ज़्यादा डाइल्यूट होगी, क्योंकि हेनले लूप का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना, पानी को सोखना, शरीर में बनाए रखना। लेकिन अगर हेनले लूप कट जाएगा तो पानी अधिक मात्रा में निकलेगा पेशाब के रूप में, इसलिए यूरिन हो जाएगी डाइल्यूटेड। मजा आया? पैसे वापस, चलो आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, ये प्रूव किस क्रॉस के द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सुनना ध्यान से, ये सब जो हैं ये रूल्स हैं, इनको किस किस माध्यम से प्रूव किया जाता है? तो जेनेटिक्स कहती है कि अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ रिसेसिवनेस प्रूव करना है तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा लीजिए। जेनेटिक्स कहती है, मेंडेलियन जेनेटिक्स कहती है कि अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखना है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखना है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा पढ़ाया है बीच में पुरानी वीडियोज में। तो मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। 868 नंबर, स्ट्रिप्ड मसल्स कैसी होती है? सिनकाइशियल। इससे हमें कुछ याद आता है कि सिनकाइशियल एपिडर्मिस किस में पाई जाती थी, आपको याद है? प्लेटी हेलमेंथीज में पाई जाती थी, और इनके ऊपर ये लेयर होने के कारण हमारी आंतें इनको भोजन की तरह पचा नहीं पाती थी। याद आया? हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से। फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन ब्रेन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी ब्रेन में लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस कहते हैं हम उनको। यहाँ पर ये माइक्रोग्लिया नाम की सेल पाई जाती है जो इधर उधर से आने वाले पार्टिकल्स को, डस्ट को, बैक्टीरिया को, वायरस को फैगोसिटिक कर लेती है, खा जाती है, फैगोसाइटोसिस कर लेती है। तो एक तरह से ये हमारी एक लेयर है जो हमको बचाती है, किससे? इन्फेक्शन से। आपने मूवी देखी होगी जिसमें प्रोजेरिया नाम की बीमारी बताई गई है, उसमें मेनिंजेस फूल जाती है और पानी भर जाता है। शरीर के आयतन के हिसाब से दिमाग का जो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वो बड़ा हो जाता है। उस समय ये मेनिंजेस काम करना बंद कर देती है, ये माइक्रोग्लिया काम करना बंद कर देती है। हाइलाइन कार्टिलेज इज फाउंड ऑन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जितनी भी शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, इनके लास्ट में, इनके एंड पर हाइलाइन नाम का कार्टिलेज पाया जाता है। लीवर की फंक्शनल यूनिट बताओ, किडनी की सब जानते हैं नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र की सब जानते हैं न्यूरॉन, लेकिन लीवर की कोई नहीं जानता है। लीवर की होती है लोब्यूलस, या फिर सुन लीजिए हिंदी में, हिपैटिक एसिनस, ACINUS, हेपेटिक एसिनस या लोब्यूल्स, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हमने, सार्कोमियर, ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, मसल्स वाले चैप्टर में आता है, एक कॉन्ट्रेक्शन में क्या क्या होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इज सार्कोमियर। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और कुछ नहीं, वही है जो दिल्ली में केजरीवाल ने, जिन लोगों को कोरोना हो गया था और उन्होंने अपने आप को बचा पाया, उनका ही प्लाज्मा लेकर के जिनको कोरोना है उनके इंट्रोड्यूस करा दिया गया इंजेक्शन के माध्यम से, यानी कि इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। आपका शरीर लड़कर बीमारी को खुद मार दे, एक्टिव इम्यूनिटी, आपको इंजेक्शन लगा के बचाया जाए, किसी और की एंटीबॉडी आपके शरीर में डाली जाए तब आप जीवित रह पाएँ, तब आप उस बीमारी से रिकवर कर पाएँ, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी।
ग्लिसन्स कैप्सूल मोस्ट इंपॉर्टेंट लीवर में पाए जाते हैं, और हैवर्शियन कैनाल लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है, किसकी? मैमल्स की। हैवर्शियन कैनाल इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ मैमल्स। हैवर्शियन कैनाल जो है वो मैमल्स की जो बोन है उसमें पाई जाती है। आई बात समझ में? और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नहीं कह सकते, अंतिम पृष्ठ ध्यान दीजिएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू, भैया एडिपोज होता है, दूर दूर होता है, एक यहाँ कोशिका, एक यहाँ कोशिका, एक यहाँ कोशिका, एक यहाँ कोशिका, तो गैप होता है काफी, और गैप होने के साथ ये लूजली कनेक्टेड होते हैं। तो कभी पूछा जाए आपसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप बोलोगे फैट सेल या एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, और जो हमारा पेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, या हमारा जो बट का पोर्शन होता है जिसे हम हिप कहते हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा होता है। सिक्रेटिन भैया प्रोड्यूस कौन करता है? ड्यूडिनम। ये कम से कम 275 बार तो पूछा ही जा चुका होगा। ठीक है, सिक्रेटिन जो है, ध्यान देना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सड़ा क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है। सीक्रेटिन कौन प्रोड्यूस करता है? ड्यूडिनम। एक ऐसा हार्मोन जो पेनक्रियास से कहे बेटा निकालो एंजाइम, उसको कहते हैं CCK PZ। आप कहोगे ये क्या होता है सर? एक ऐसा हार्मोन जो पेनक्रियास से कहे राजा बेटा एंजाइम तो निकालो, तो ऐसा हार्मोन है CCK PZ, कॉली सिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। कॉली सिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ढूंढ के लेके आए, इसीलिए क्योंकि क्लास अब ख़त्म होने जा रही है, इसके बाद एक क्लास और मिलेगी और उस क्लास को हम मतलब ओपन नहीं करेंगे सबके लिए, वो पेड वालों के लिए ही रहेगी 100 नंबर की, और उसके बाद से हमारे सारे लेक्चर्स ख़त्म। कोर्स कंपाइल करके रख दिया है, जिसको भी परचेज़ करना हो आप परचेज़ कर सकते हो आराम से। इसके लिए ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगी प्रॉपर ढंग से, सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे और इनकी PDF दे दी जाएगी। आराम से 1-1.5 महीने में आप अपना पूरा कोर्स तैयार करके रख लीजिए। वो बच्चे जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हमसे कहेंगे कोर्स, तो उनको पहले से नमस्ते बता दे रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों को कभी नहीं देना चाहते कोई चीज़, क्योंकि वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते। रीज़न ये होता है ना, 1 महीने 1.5 महीने पढ़ के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं होती, केवल आप अपने साथ अपने माता पिता के साथ मजाक करते कि हम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं और बहुत हम लेबोरियस हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जग के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट वही बात, पिछली बार 85 नंबर क्वेश्चन सही कर पाए थे, इस बार 95 कर लिए, 10 बढ़ा दिए। दोबारा जियोलॉजी का एग्जाम होना नहीं है, इसलिए प्रिपरेशन जिसको सीरियसली करनी है वही कोर्स को परचेज करें। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले गैस्ट्रिन में आ जाओ भैया। गैस्ट्रिन जो है वो सीक्रेट होता है एंडोक्राइन सेल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सीक्रेटिन एक गैस्ट्रिन, ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। गैस्ट्रिन इज सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सेल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, यानी कि गैस्ट्रिन, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, गैस्ट्रिन कुल मिलाकर स्टमक से निकाला जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन हमारा स्टमक निकालता है, कहाँ से निकालता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से निकालता है। लिम्फोसाइट आर स्टिमुलेटेड बाय सीक्रेशन ऑफ थाइमस। अगर आपको नई जानकारी है तो हम आपको बता दें, जब कोई बच्चा पैदा होता है, नवजात होता है, तो उसके शरीर की रक्षा करने की जिम्मेदारी 2 चीज़ों की, एक उसके शरीर में पाई जाने वाली थाइमस ग्रंथि की, और दूसरा उसकी माता के द्वारा पिलाए जाने वाले दूध मिल्क, जिसमें कोलेस्ट्रम नाम की चलो आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। हर पढ़ने वाला बच्चा उत्तर ज़रूर देगा, हर नौटंकी करने वाला बच्चा उत्तर कभी नहीं देगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ रेनिन, ध्यान दीजिए, ये रेनिन एंजाइम वाला है कि क्या है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एंजाइम है कि हार्मोन है? देयर आर 2 रेनिन इन अवर बॉडी। ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ रेनिन इज डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। समझिएगा फिर से एक बार, थक गए, समझिएगा बेटा। फंक्शन ऑफ रेनिन, जो रेनिन है जिसको हम हार्मोन में कंसीडर कर रहे हैं, ये एंजाइम नहीं है बेटा, ये हार्मोन है, ये क्या करता है? ये डिग्रेडेशन करता है किसका? एंजियोटेंसिनोजन का। किसमें? एंजियोटेंसिन सेकेंड में।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज करता है कि सेकंड में चेंज करता है कि एंजियोटेंसिन सेकंड को एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट करता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाते हैं। आगे बढ़ते केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ये अपने सेंगर चाचा है ना, इन्होंने बनाया था सबसे पहला केमिकल स्ट्रक्चर, एफ सेंगर ने बनाया था, ठीक है ना, भूलना नहीं करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये सीरोटोनिन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है, थर्ड आई मतलब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड होती है, समझना ध्यान से, एक्टिवेटेड का मतलब होता है बहुत शक्तिशाली होती है पीनियल ग्लैंड, जिसको आप कह सकते हो कि इनमें भैया ये 3D देख लेते हैं, इनको भगवान की सिद्धि प्राप्त है, ये है वो है, उनमें सीरोटोनिन बहुत भारी मात्रा में निकलता है और उनकी उनको जल्दी बीमारी नहीं लगती है क्योंकि उनमें मास्ट सेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और मास्ट सेल लिम्फोसाइट का ही एक प्रकार है जिसका काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, ठीक है। तो सीरोटोनिन दो जगह से निकलता है, अगर आपसे ग्रंथि पूछी जाए, ग्लैंड पूछी जाए तो आप कहेंगे पीनियल ग्लैंड, अगर आपसे कोशिका पूछी जाए, सेल पूछी जाए तो आप कहोगे मास्ट सेल। सीरोटोनिन इज सीक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड एंड मास्ट सेल, ठीक है। और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न कि हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला और कैटिकोलोमिन्स या कैटिकोलमिन्स जो भी बोलना चाहो, एड्रीनल मेड्यूला एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये दो रीजन ज़्यादा फेमस है ना किडनी में, इन्हीं का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या निकालता है और एड्रीनल मेड्यूला क्या निकालता है। तो हार्मोन ऐसे जो एड्रीनल मेड्यूला के द्वारा निकाले जा रहे हैं वो क्या हैं, कैटिकोलोमिन्स। एक बार इस पेज का फिर से रिविज़न करते हैं हम लोग। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आगे आपकी फैट सेल, जिसको हम एडिपोज सेल कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, सीक्रेटिन ड्यूडिनम से निकाला जाता है। हार्मोन जो कि पेनक्रियास को एक्टिव करता है वो है CCK-PZ, कॉलीसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन। गैस्ट्रिन स्टमक से निकलता है, स्टमक में कहाँ से निकलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है। लिम्फोसाइट क्या कहाँ से सीक्रेट होते हैं, थाइमस से, ठीक है, अच्छी बात है। रेनिन क्या काम करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज करता है। केमिकल स्ट्रक्चर इंसुलिन का सेंगर जी ने दिया था और सीरोटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है या मास्ट सेल से निकलता है, ये दोनों प्रश्न एकदम सही है, दोनों बातें एकदम सही है। यदि कोशिका पूछा जाएगा तो मास्ट सेल लगा देंगे और ग्रंथि पूछी जाएगी तो पीनियल ग्लैंड लगा देंगे, और हॉर्मोन जो कि एड्रिनल मेड्यूला से निकलते हैं उनको हम कैटिकोलोमिन्स कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा लेक्चर अपना पढ़ डाला, आज का लेक्चर दैट इज़ TGT पनेशिया क्लास नंबर 99, ये सेकंड लास्ट क्लास है इस कोर्स की, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमने दे दिए, ये वीडियो हम सबके लिए कर दे रहे हैं पब्लिक, इसके बाद 100 नंबर की वीडियोस केवल पेड मेंबर्स के लिए रहेगी। अच्छे से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको शायद जानकारी नहीं है लेकिन हमें एक हमारे ही स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि जो जिन बच्चों ने कन्वर्ट करा लिया था साइंस में, उनका वाइवा नहीं हो रहा है। इसका मतलब सरकार की या आयोग की पूरी पूरी मंशा है एग्ज़ाम कराने की, बिल्कुल भी टारगेटेड रहिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, पूरा टाइम है आपके पास, अगर आप फ्री हैं घर में बैठे कोई नौकरी वोकरी नहीं करते तो बस मन लगाकर रमेश गुप्ता MP कौशिक के पीछे वाले सारे क्वेश्चन लगा डालिए, RK पिल्लई कुमार मलिक के सारे पीछे वाले क्वेश्चन लगा डालिए, मेरे नोट्स रट डालिए इस तरह से कि कोई रात में भी आपके पूछे कि C4 और C3 में क्या अंतर है तो आप बता पाएँ सोते सोते, इस प्रकार का रटना है। आप कहोगे सर आप तो रटने को बढ़ावा दे रहे हैं, हम रटने का बढ़ावा तब देते हैं बेटा जब हम कॉन्सेप्ट सिखा चुके होते हैं, पुराने सारे वीडियोस, ये तो जो पेड हैं वो अलग बात है, जो नॉन पेड वीडियोस हैं यहाँ पर या अनअकैडमी में, 198 वीडियोस हैं अनअकैडमी में मेरे, ये सब मन लगा के देख डालिए, अपने हाथ से नोट्स बना डालिए, और ये जो नोट्स हैं हमारे पेड मेंबर्स को प्राप्त हो चुके हैं, जो नहीं हैं जिनको चाहिए वो आप जुड़ सकते हैं हमसे और हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो बस इसके बाद एक लास्ट क्लास, उसके बाद जय हिंद जय भारत, फिर जब एग्ज़ाम आपका आएगा तो हम आपको 7-8 लाइव क्लासेस दे करके आपका पूरा रिवीजन करा देंगे। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि क्लासेस ख़त्म हो चुकी, इन क्लासेस के ख़त्म या शुरू होने से कोई लेना देना नहीं है, आप इस कोर्स को एक बार परचेज करके अपने पास रख लोगे, जब भी एग्ज़ाम आएगा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई समस्या हो आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हम जरूर से ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राम हमने बना दिया है, अगर आप जुड़ना चाहें टेलीग्राम से तो हम नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।